भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपनी उपलब्धियों से दुनिया में एक अलग पहचान बना ली है। इसरो यही नहीं रुका है और इस बार इसरो ने एक बार फिर देश को कुछ नायाब देने की कोशिश की। इसरो ने हाल ही में एक सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार तैयार की है। देसी संसाधनों का इस्तेमाल कर डिजाइन की गई इस कार का प्रदर्शन तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। इसके साथ ही इसरो ने इस एनवायरमेंट फ्रेंडली कार की घोषणा की। इसरो का कहना है कि आधुनिक समाज में रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए गतिशीलता बेहद जरूरी है और इसके लिए परिवहन प्रणालियों का महत्व काफी बड़ा है, लेकिन जैविक ईंधन से चलने वाले वाहन पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। एक आदर्श परिवहन व्यवस्था को किसी भी प्रदूषण के बिना शून्य उत्सर्जन की कल्पना करनी चाहिए। इस कार में हाई एनर्जी लिथियम बैटरी लगाई गई है जिसे सूरज की रोशनी से चार्ज किया जा सकता है। व्हीकल बनाने की मुख्य चुनौतियों में कार के शीर्ष पर एक सौर पैनल तैयार करना और बैटरी और सौर पैनल इंटरफेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को नियंत्रित करना शामिल है, जिसे कार को आसानी से चलाने के लिए ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक के रूप में माना जाता है। तो सूर्य की रोशनी से चार्ज होने वाली इस कार को देसी संसाधनों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। इस कार का सफलतापूर्वक टेस्ट ड्राइव किया गया और प्रशिक्षण के दौरान उसे ऊंचाई पर भी चढ़ाया गया। इसरो अब इस तरह के वाहनों के लिए स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी, सुपर कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक मोटर तैयार करने का काम भी करेगा। देखते रहिए डीपी लाइव।